दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हेल्दी फॉरएवर चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आपको एक बहुत ही जरूरी जानकारी देगा और जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा या सोचा होगा। आज हम ऐसे ही सात इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे जो आपको ये समझाने में मदद करेंगे कि आपका दिमाग आपकी हेल्थ के बारे में क्या सोच रहा है। फैक्ट नंबर वन दोस्तों, स्यूडो प्रेगनेंसी महिलाओं की एक अजीब सी हालत है। इसमें एक औरत अपने आप को प्रेग्नेंट फील करती है लेकिन सच में वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। इसमें औरत को प्रेगनेंसी के सभी लक्षण, सारे सिम्टम्स जैसे कि नौजिया, वॉमिटिंग, वजन बढ़ना और स्टमक का साइज बढ़ना, ये सब फील होते हैं। ये कंडीशन मोस्टली साइकोलॉजिकल रीजन से होती है, खास तौर से ऐसी महिलाओं को, ऐसी फीमेल्स को होती है जिनको अभी बच्चा नहीं हुआ है और उनको बच्चे की बहुत ज्यादा चाहत हो। इसका ट्रीटमेंट एक डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करने से, काउंसलिंग करने से किया जा सकता है। काउंसलिंग के बाद जनरली मरीज ठीक हो जाता है। फैक्ट नंबर दो दोस्तों, हाइपोकोंड्रिया यानी अपनी हेल्थ की बहुत अधिक चिंता होना। इसमें लोग हमेशा सोचते हैं कि उनको कोई सीरियस बीमारी है, उनको हार्ट की बीमारी है, उनको कैंसर हो गया है, वो बहुत ज्यादा बीमार है, ऐसा वो लगातार सोचते रहते हैं। जबकि अगर वो टेस्ट कराते हैं तो सारे के सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। ये भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को लगता है कि उन्हें कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई है और अब उसका कोई पता नहीं इलाज है या नहीं है, और इसलिए वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर के पास चक्कर लगाते रहते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो डॉक्टर पर फालतू पे पैसा खर्च करने के बजाय ये सब भूल जाएं और किसी स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करें, सब ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। फैक्ट नंबर तीन दोस्तों, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोग बिना किसी फिजिकल इलनेस के बॉडी पेन या डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, उनको फील होता है दर्द हो रहा है। कभी यहां दर्द बताएंगे, कभी वहां दर्द बताएंगे, कभी छाती में दर्द बताएंगे, कभी मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, और वो लोगों को ये सब बताते भी हैं कि जी मुझे ये दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। ये कंडीशन मोस्टली स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से होती है। कई बार स्कूल जाने वाले बच्चों में भी ज्यादा प्रेशर या स्ट्रेस की वजह से ये समस्या डेवलप हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है, बिहेवियरल काउंसलिंग या रिलैक्सेशन टेक्निक्स के साथ इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। और दोस्तों फैक्ट नंबर चार होता है मॉन्चूसेन सिंड्रोम यानी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। मॉन्चूसेन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोग जानबूझकर अपने आप को बीमार दिखाते हैं ताकि उनको मेडिकल अटेंशन और दूसरे लोगों की हमदर्दी मिल सके। इसको फंक्शनल डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। जनरली प्यार मोहब्बत के मामलों में अक्सर ऐसा होता है। ये एक्चुअल में साइकोलॉजिकल नीड और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की वजह से होता है। इसका ट्रीटमेंट भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, थेरेपी और सपोर्ट ग्रुप की हेल्प से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो अगर ऐसा हो तो इस पर आप जरूर ध्यान दें। फैक्ट नंबर पांच, कन्वर्जन डिसऑर्डर, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेंटल स्ट्रेस जो है वो फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे किसी को एक्सट्रीम स्ट्रेस के बाद पैरालिसिस या ब्लाइंडनेस का एक्सपीरियंस होना, उनको लगता है कि नहीं मेरी रोशनी चलेगी आंखों की, हालांकि ऐसा होता नहीं है। जबकि सारे के सारे मेडिकल टेस्ट और रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। इसका ट्रीटमेंट भी साइकोथेरेपी और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक से किया जा सकता है। ऐसा होने पर आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। और फैक्ट नंबर छह होता है BDD, बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर। BDD में लोग अपनी बॉडी या किसी पार्ट को बहुत ज्यादा इम्परफेक्ट मानते हैं जबकि वो एक्चुअल में नॉर्मल होता है। वो अपनी रंगत को लेके, बॉडी स्ट्रक्चर को लेके, फेस कट्स को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ये बड़े होते बच्चों या जवानी की ओर बढ़ते हुए बच्चों में अक्सर ऐसा होता है। वो एक सवाल अपने आप से बार बार पूछते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, और ये फिर ये दिक्कत बढ़ने लगती है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में बदल जाती है। ये डिसऑर्डर भी एंजाइटी और लो सेल्फ स्टीम की वजह से होता है और इसका इलाज भी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और
मेडिकेशन से किया जा सकता है। तो अगर ऐसा आपके बच्चों में दिखता है तो उनको फौरन अटेंशन की जरूरत है। एंड लास्ट फैक्ट नंबर 7, फैक्शियस डिसऑर्डर। इसमें लोग जानबूझकर अपने आप को बीमार दिखाते हैं या फिर अपने सिम्टम्स को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं ताकि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिशन मिल जाए और लोग उनकी देखभाल करें, उनके बारे में लोग पूछे, उनसे लोग मिलने आए। हालांकि उनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो सब कुछ नॉर्मल आती है, ये कंडीशन भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि ज्यादा अटेंशन और सिंपैथी की जरूरत के कारण ये समस्या डेवलप हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से होता है। तो दोस्तों, इन सब एग्जाम्पल से ये समझ आता है कभी कभी हमारे हेल्थ इश्यूज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कुछ बीमारियों का शिकार हैं लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो हो सकता है कि आपकी दिमागी सोच उसका कारण हो। अगर ऐसा है तो आपको फौरन एक मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल से या साइकोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है, बिना किसी झिझक और बिना किसी डर के। और देखिए, प्रिवेंशन के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, एंजाइटी को कम करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हर पेन कोई सीरियस बीमारी से ही जुड़ा हो। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी कंडीशन के सिम्टम्स आते हैं तो बिना देर किए, बिना डर के किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स और क्वेश्चंस शेयर करें, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और हेल्दी रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। धन्यवाद।